नमस्कार शिक्षार्थियों, NIOS के स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं मेजवान फातिमा आज आपको कला शिक्षा के स्कूल शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर कला शिक्षा के महत्व के बारे में बताऊंगी। तो आइए हम बात करते हैं स्कूल शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर कला शिक्षा का क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दृश्य कला का क्या महत्व है। इससे पहले कि जो हमने पढ़ा था उसके बारे में ये पढ़ा था कि दृश्य कला और प्रदर्शन कला होते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दृश्य कला का क्या महत्व होता है प्राथमिक स्तर पर। कला में विभिन्न रूप हैं जो हमें अपनी भावनाओं और कौशल को व्यक्त करने में मदद करते हैं। चित्रकारी, ड्राइंग, स्केचिंग, फोटोग्राफी, क्राफ्टिंग, मूर्तियां, कपड़ा डिज़ाइन करना, डिजिटल पेंटिंग, मूर्ति कला के साथ साथ लघु फिल्में इत्यादि को दृश्य कला के रूप में संदर्भ में लेते हैं और व्यापक रूप में इन सब की सराहना की जाती है। बच्चों को उनकी कल्पना शक्ति का पता लगाने में दृश्य कला बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दृश्य कला बच्चों को उनके विचारों और कौशल का प्रतिनिधित्व करने में मदद करती है। यह उन्हें अपने कलात्मक कौशल को रचनात्मक रूप से कल्पना और यादों को भी प्रदर्शित करने में सहायता करती है। स्कूल में काम में मदद करता है। दृश्य कला विद्यार्थियों के शैक्षणिक क्षमता को भी प्रभावित करता है, और क्योंकि कला और शिल्प के अभ्यास के साथ साथ उन्हें उनके सीखने के कौशल में भी सुधार होता है। वे कौशल को अनुकूलित करने में बेहतर है और इसलिए वे इन बच्चों की तुलना में तेज़ी से सीखते हैं जो दृश्य कला में कम सक्रिय होते हैं। आपने अपने कला शिक्षा जो शिक्षण के दौरान आप ये देखेंगे कि जो बच्चे कला शिक्षा में ज़्यादा भाग लेते हैं, ज़्यादा अपने आप को कला शिक्षा और शिल्प में ज़्यादा अपने आप को अभ्यास करते हैं, वो उन बच्चों की जो सीखने की क्षमता होती है वो उन बच्चों से ज़्यादा होती है जो कला में कम सक्रिय होते हैं। या और आप इसके बारे में उनके जो कला शिक्षा है, कला शिक्षा के द्वारा क्या होता है कि हमें अभी उनसे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे मोटर कौशल में उनका क्या सुधार होगा। नियमित आधार पर कला और शिल्प करने वाले बच्चों में कला के विभिन्न प्रकार के उपकरण जैसे ब्रश हैं, रंगों, फोटोग्राफी आदि जैसे तकनीकों का प्रयोग करना सीखते हैं। इन प्रयोग के दौरान उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर मोटर स्किल्स का बढ़ावा मिलता है। जैसे आपने किसी बच्चों को पेंट ब्रश पकड़ना सिखाया, तो अगर एक लाइन भी अगर आप ड्रॉ करवाते हो तो लाइन ड्रॉ करने के लिए उसको उसके अंदर एक जो उसके आँखों में और हाथों में जो एक कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है, जो एक कोऑर्डिनेशन का वो होता है, उनके मोटर स्किल्स उसके भावना पे मोटर स्किल्स उनकी डेवलप होती है। नेक्स्ट जो उसका हमारा हम देखते हैं कि उनके अंदर क्या डेवलप होता है, आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलता है। विजुअल आर्ट यानी प्रदर्शन कला के रूप में किसी की भावनाओं और कल्पना का प्रतिनिधित्व करने का एक तरीका होता है। जब छात्र कला बनाते हैं और उनकी सराहना करते हैं तो अपने कार्यों के बारे में उनको बहुत अच्छा महसूस होता है या उसको बेहतर कैसे करना है उसके लिए उनको प्रेरणा मिलती है। यह आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प उन्हें उनके कमज़ोर क्षेत्रों में सुधार करने में मदद करता है और अपने कला कौशल का प्रतिनिधित्व के बारे में अधिक खुल जाते हैं। जैसे किसी भी कलाकार आप जब भी हम कलाकृति बनाते हैं तो उसमें क्या है कि एक जब कोई भी आप काम करते हो तो काम करने के प्रति क्या होता है, आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होता है कि मैंने कर लिया, मैं कर सकता हूँ। अगर उसके अंदर कुछ आपको लगता है कि इसमें हम और क्या क्या चीज़ें इनपुट और क्या ऐड कर सकते हैं जिससे हमें उसमें और ज़्यादा हमारे जो कलाकृति है उसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों से उस बच्चों का क्या होता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। चाहे वो प्रदर्शन कला करें या अगर हम दृश्य कला की बात करें तो दृश्य कला या प्रदर्शन कला दोनों के करने में ही बच्चों में अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है। अब इसमें प्रसिद्ध कलाकारों को सीखने की प्रेरणा लेते हैं और उनके कार्यों को सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे दृश्य कला में एक बच्चा क्या होता है, जब भी कोई भी प्रसिद्ध कलाकार है उस कलाकार को देखते हैं और उनके जैसे एम एफ हुसैन के आर्टिस्टिक स्किल्स को जब आप देखते हो तो उसको एक बच्चा जब देखता है तो उसको अपने स्किल्स को भी देखने की कोशिश उनको अपने कार्यों में भी प्रदर्शित करने की कोशिश करता है और उससे क्या होता है, दृश्य कला के बारे में अपने ज्ञान विस्तार करने में उनको मदद मिलता है। दृश्य कला शिक्षा छात्रों को विश्लेषण निर्णय कौशल में मदद करती है और अपने स्वयं के कला क्षेत्र में वो सुधार करते हैं। उदाहरण के लिए जब हम बच्चों को मूल आकारों से आसपास की वस्तुओं को आसान तरीके से गिनती
अक्षरों से ड्राइंग बनाते हैं, चित्र बनवाना, और इनसे बच्चों को निरीक्षण कौशल का उनका विकास होगा, आकारों का बोध होता है और आसपास के समाज में कला की खोज इत्यादि की क्षमताओं का उनके अंदर विकास पैदा होगा। इन चित्रों में हम देख सकते हैं, जैसे कि अगर कोई भी बच्चा है, आपने अलग अलग टेक्निक जब कला शिक्षा जब हम करवाते हैं तो दृश्य कला करवाने में हम क्या करते हैं, छापा चित्रण करवाते हैं। तो छापा चित्रण में जब बच्चों से कोई भी आकृति आप छपवाते हो तो उससे उनको क्या है, एक कई नई चित्र हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, कौन सी हम नई तकनीक हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हम दृश्य कला में और आकर्षक ढंग से अपने अपने जो हमारे विचार हैं या हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं उसको हम प्रदर्शित कर पाएँ। तो इस तरीके से वो नए नए चीज़ों को खोज करते हैं और अपने अपनी कलाकृतियों में भी सुधार करते हैं और उनके अंदर ऑब्जर्वेशन यानी निरीक्षण शक्ति का क्षमता का विकास होता है। या सामुदायिक कला के रूप में अगर हम देखना चाहें तो सामुदायिक कला के रूप में देख सकते हैं, जैसे इसमें मैंने पहली जो चित्र है उसमें आप देख सकते हो कि दुर्गा पूजा का समारोह जो होता है, तो दुर्गा पूजा के टाइम पे क्या होता है कि लोग मूर्ति तैयार करते हैं। तो किस तरीके से वो मूर्ति बनाई जाती है, आसपास के वो जो समुदाय में उनके आसपास के समुदाय में जो कलाकृति चल रही है किस तरीके से बनाया जाता है, कलर कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम बच्चों को अपने आसपास देखते हैं और अपनी कलाकृतियों से उनसे सीखते हैं। जैसे एक कुम्हार है, कुम्हार किस तरीके से बर्तन बनाता है और इन सारी चीज़ इन लोगों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इन सारी चीज़ों को हम कला शिक्षा के माध्यम से दृश्य कला में सीखते हैं। अब जैसे ये है, इसमें हमने क्या सीखा कि बच्चे नई नई वस्तुओं का उपयोग कैसे कर सकते हैं। जैसे डिस्पोजेबल ग्लास होता है, आप नॉर्मली यूज़ करते हो उसको आप इस्तेमाल करके फिर फेंक देते हैं, तो डिस्पोजेबल ग्लास से हम उनका अपने आसपास की चीज़ें यानी खेल जो खेल सकते हैं, उन्हें बाहर से चीज़ें खरीदने की उनको ज़रूरत नहीं है, वो आसपास अपनी चीज़ों को देख करके नई वस्तुएँ किस तरह से बना सकते हैं। तो इन सारी गतिविधियों से, जैसे एक डिस्पोजेबल ग्लास से उन्होंने ढोलक बनवाया, तो ढोलक बनाने के जो गतिविधि उन्होंने की उस गतिविधि में उनके संपूर्ण विकास, उनकी रचनात्मक कौशल का विकास हुआ, उनके अंदर आत्मविश्वास शक्ति का विकास होगा, उन्होंने निरीक्षण किया उसके अंदर जो भी उनको कमियाँ लगी उसको सुधार कर सकते और उसको बेहतर कैसे बनाना चाहिए कि उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। तो इनसे बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट यानी संपूर्ण विकास में उनको मदद मिलता है कला शिक्षा के द्वारा। जैसे इस पेंटिंग में हम देख सकते हैं, मधुबनी पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग यानी मिथिला पेंटिंग भी कहलाती है, जो कि बिहार की लोक कला होती है। इस तरीके की चित्रकारी में हम अपने चित्रों छात्रों से क्या करवा सकते हैं, स्कूल की दीवारों पर सामूहिक रूप से भी करवा सकते हैं, यानी बच्चों को एक दूसरे में ग्रुप में काम करना कैसे किया जाता है, उनको समूह में काम करना आ जाता है, समूह का नेतृत्व कैसे करना है, ये उनके अंदर इन क्षमताओं का विकास होता है कि हमारे सबसे पहले तो उनको ये ज्ञान हुआ कि लोक कला कौन सी है, यानी अगर हमने मधुबनी के बारे में बताया तो कहाँ पर होती है, किस क्षेत्र में होती है, और जब ये पाँच छः बच्चों के साथ ग्रुप में काम करते हैं, समूह के रूप में काम करते हैं, तो समूह के साथ कैसे काम किया जाता है, उनके अंदर इनका उनके साथ नेतृत्व कैसे बिठाना चाहिए, इनका उनके अंदर विकास होता है। उसके बाद हम देखते हैं प्रदर्शन कला का क्या महत्व है। प्रदर्शन कला के बारे में अगर हम देखें तो बच्चे प्रदर्शन कला में क्या होता है, बच्चे अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखते हैं और उनके व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास में मदद करता है। और प्रदर्शन कला बच्चों की कला शिक्षा में प्रदर्शन कला के माध्यम से विभिन्न भूमिकाओं और पात्रों के रूप में अपने आप को बदलते हैं, जिससे छात्रों की सोच तर्क और तार्किक और कल्पना शक्ति में महत्वपूर्ण सुधार होता है। बच्चे प्रदर्शन कला में हर तरह के कार्य करने को मिलता है जिसे वो गंभीरता और भावनात्मक ढंग से करते हैं, जैसे मिमिक्री करना, हास्य अनुकृति यानी जिसे हम कॉमेडी बोलते हैं, इस तरीके के इत्यादि वो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं यानी जैसे और ईमानदारी से करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। जैसे अगर हम कोई भी प्रदर्शन कला के माध्यम से आप कोई भी हम अपनी भावनाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं तो इस दौरान हमें अपनी कोई भी कलाकृति करने के अपने आप को जो हम प्रदर्शित करते हैं तो प्रदर्शन के दौरान हम ये चीज़ें देखते हैं कि बच्चों में मिमिक्री अगर हमें करना है तो अपने मिमिक्री करते वक्त जिस एक आदमी की हमें नकल उतारनी है उसी आदमी की हमें क्या है बहुत गंभीरता से हम उस चीज़ को पहले ऑब्जर्व करते हैं, यानी ऑब्जर्व करने के बाद उनके भावनात्मक चीज़ों को अच्छे से पहले संपूर्ण रूप से उसके महत्वता को देखते हैं और फिर उसी की तरह कॉपी करने की कोशिश करते हैं। या कॉमेडी यानी हास्य अनुकृति करना, यानी जब भी हम किसी का अगर हम ऐसी चीज़ें सुनाएं ऐसे ढंग से अपने आप को प्रदर्शित करें जिससे सामने वाले लोग हंसने लगें, तो ये भी एक प्रदर्शन कला के
के बारे में बच्चों को जानकारी मिलती है और वो अपने जो उनको सब्जेक्ट दिया जाता है जो उसके बारे में बहुत ही गंभीर और भावनात्मक ढंग से पूरा करने की कोशिश करते हैं। प्रदर्शन कला का एक समूह प्रदर्शन के लिए एकजुट होकर बच्चों में समूह यानी एक टीम की भावना पैदा होती है और इसमें अखंडता, समन्वय और एक दूसरे को समझने की कौशल का विकास होता है। इसकी बच्चे जब क्या करते हैं, हमने मोस्टली प्रदर्शन कला में हम नाटक करते हैं, रंगमंच करते हैं, इन सारी चीज़ों में बच्चे क्या एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। तो जब अपने आप को साथ में मिलकर जब अपने आप को प्रदर्शित करते हैं तो उनसे उनके अंदर सामूहिक क्षमताओं का विकास होता है। इसके अलावा नाटकों, रंगमंच, नाटक में भाग लेने वाले बच्चों भी शिक्षाविदों में अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान फिर वे उन स्क्रिप्ट को याद रखना सीखते हैं जो अपने दिमाग को जो उनके दिमाग को बेहतर और प्रशिक्षित करते हैं। छात्रों को अलग अलग नृत्यों, कहानियों आदि के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों का पता लगाना पड़ता है। यह छात्रों में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में सुधार करने में मदद करते हैं क्योंकि उनको उनके कार्य को दर्शकों द्वारा सराहना की जाती है और उन्हें बेहतर तरीके से करने की प्रदर्शना की जाती है। जैसे आप बच्चे कोई भी नाटक कर रहे हैं, कोई भी कार्य को प्रदर्शित करते हैं तो उस प्रदर्शन के दौरान उस कार्य को कैसे और बेहतर प्रदर्शित किया जा सकता है, उनमें एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन था या नहीं था, इन सारी चीज़ों में जब वो एक प्रदर्शन जो जितने भी देखने वाले लोग होते हैं जिसे हम आउटलुकर्स कहते हैं, जब वो उन्हें देख करके दर्शकगण जब उसे देखते हैं और देख करके उनकी सराहना करते हैं तो उनको उस तरीके की भावनाओं का और उन्हें किस तरीके से उनके अंदर सुधार करना चाहिए इन सारी क्षमताओं का उनके अंदर विकास होता है। प्रदर्शन कला से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। प्रदर्शन कला न केवल छात्रों को रचनात्मक शक्ति का विकास करने में मदद करती है विकसित करने में मदद करती है बल्कि व्यक्तिगत को प्रेरित करने वाले अद्वितीय तरीकों जैसे संचार, भाषा और नेतृत्व भी सिखाती है। जैसे इसके हम कुछ उदाहरण को देख सकते हैं, जैसे महाभारत या रामायण का नृत्य हम या नाटक करवाते हैं तो बच्चों में महाकाव्य के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, साथ ही साथ उसके महाकाव्य की किसने रचना की, उनके मुख्य पात्र कौन कौन से थे, उन पात्रों के समय जो जिस टाइम बीइंग में ये महाभारत या रामायण लिखी गई उस टाइम को अगर हम प्रदर्शित करवाना चाहें तो उस टाइम बीइंग के अनुसार हमें वेशभूषा भी धारण करना चाहिए और उस टाइम के अनुसार ही हमें बोलचाल, अपने संचार कौशल इत्यादि का भी प्रयोग करना पड़ता है और उससे उनके अंदर आत्मविश्वास शक्ति का भी प्रयोग होता है और कल्पना शक्ति यानी उस टाइम बीइंग को वो सोच रहे हैं उस यानी 100, 200 साल, 500 साल, 1500 साल पुराने टाइम के बारे में आप सोचते हो कि उस टाइम पे लोग कैसे रह रहे होंगे, तो पहले उन्होंने अपनी कल्पना की उस कल्पना शक्ति का उपयोग किया और उसे दूसरे लोगों के साथ किस तरह से तालमेल बिठा करके संपूर्ण नाटक को प्रदर्शित करना है इसके बारे में भी वो दूसरे नाटकों के साथ यानी जो दूसरे उनके सहपाठी हैं उनके जो चरित्र चित्रण है उनके अनुसार उनको तालमेल बिठा करके वो कार्य को अपने नाटक को प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम इसमें देख सकते हैं, इसमें हमें हर जितने भी शिक्षार्थी हैं जिसमें इसमें भी आप जैसे लोग ही होंगे, बच्चे होंगे, तो हमने बच्चों का नेतृत्व एक दूसरे के साथ किस तरीके से करना है यानी अगर 8-10 लोगों का ग्रुप बनाया गया है और हम किसी भी एक विशेष विषय वस्तु को प्रदर्शित कर रहे हैं तो विषय वस्तु को प्रदर्शित करने के लिए उसके उस टाइम पे लाइट इफेक्ट कैसा होना चाहिए, उनकी वेशभूषा कैसी होनी चाहिए और जो हमारा मेन कैरेक्टर है उस जो हमारा मेन चरित्र है उसको हमें किस तरीके से अपने आप को प्रदर्शित करना है। उसके अलावा नेक्स्ट हम ये देख सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं कि अगर हमें कोई भी कलाकृति या जैसे हम प्रदर्शित करते हैं तो हमारे सामने पहले तो दर्शक होंगे, दर्शकगण को वो संपूर्ण रूप से किस तरीके से दिख जाए और जो हमारा संचार कौशल है यानी जैसे हम क्या कहते हैं डायलॉग, तो डायलॉग है वो कौन से हमें किस तरह से इतने अच्छे तरीके से एक्सप्रेसिव तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है लोगों के सामने कि वो बिल्कुल रियल फील हो, उनको वो जो फीलिंग्स आए वो बिल्कुल रियल हो, ऐसा ना हो कि वो आर्टिफिशियल लगे, यानी वो 400 साल पुराना है भले ही है लेकिन वो आज के टाइम पे ऐसा लगे कि हम वो जो दर्शक हैं दर्शकगण को ये लगना चाहिए कि हम उसी दौर में हम देख रहे हैं। जैसे ये है मणिपुरी का एक नृत्य है जिसे हम जागोरी नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि हम छात्रों से प्रदर्शन कला करवा रहे हैं। अब इस सीन में क्या है, दो अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, अब दोनों कैरेक्टर को एक दूसरे के साथ तालमेल बिना बैठा करके उसको प्रदर्शित करना, इस डांस को बच्चों ने प्रदर्शित किया तो उनमें अगर तालमेल ना रहे
तो आपको वो डांस में इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, आप क्या कहेंगे कि ये चीज़ें ठीक नहीं है। तो उसमें एक दूसरे को समझना और उन उसमें निरीक्षण करना, तो इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर जो प्रदर्शन करते हैं, तो प्रदर्शन करने के साथ साथ उनके अंदर उन सारी कौशल यानी निरीक्षण, रचनात्मक, कल्पना शक्ति, इन सारी शक्तियों का विकास होता है और उनके अंदर आत्मविश्वास की सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट होता है बच्चों का। जैसे आप एक किसी के सामने अपने आप को बोलना और अपने आप को व्यक्त करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, जो कि बच्चे सामूहिक रूप से लोगों के सामने अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, तो उससे उनका ओवरऑल विकास होता है। बच्चों को हम योगा प्रदर्शन भी करा सकते हैं, इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं, जिससे उनकी शारीरिक और मानसिक शक्तियों, आत्मविश्वास का भी विकास होता है। यानी कला शिक्षा में हमने अब ये हम देखते हैं कि कला शिक्षा में बच्चों का क्या क्या महत्व है। अब कला शिक्षा में प्रदर्शन कला का स्पेशली क्या महत्व है, योग हम आजकल हम देखते हैं योगा का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो आजकल भी नहीं, हमारे पुराने टाइम से भी इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व है। तो हम अपने प्राथमिक स्तर के बच्चों से भी उनके जो आसान तरीके के योग होते हैं, उनके द्वारा हम उनके अंदर शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास और आत्मविश्वास का विकास कर सकते हैं और उनसे इस तरह की एक्टिविटीज़ को करवा सकते हैं। निष्कर्ष, कला शिक्षा छात्रों के समग्र विकास के लिए अक्षय होता है, जिससे उनके अंदर दृढ़ संकल्प, प्रतिभा शामिल होता है, जो एक सफल करियर में बदल सकते हैं। स्कूल में सभी छात्रों के लिए असाधारण एवं अनिवार्य हिस्सा बनना चाहिए। यानी जितना अभी हमने डिस्कशन किया, तो उससे हमें क्या सीख मिली है कि जैसे कोई भी कला शिक्षा है, तो कला शिक्षा के माध्यम से हमने ये सीखा कि जितने भी, चाहे वो दृश्य कला हो या प्रदर्शन कला हो, बच्चों के अंदर क्या है, कल्पना शक्ति का विकास होता है। एक दूसरे के साथ जब एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे का सामूहिक क्षमता का विकास होता है, समाज में क्या कुरीतियाँ हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं, उनके बारे में वो अवेयर होते हैं और उनके लिए वो एक नाटक तैयार करना या संवाद, उनके अंदर संवाद कौशल का विकास होना, इन सारी क्षमताओं का, आत्मविश्वास का विकास होना, यानी कला शिक्षा के माध्यम से हम बच्चों के अंदर संपूर्ण क्षमताओं का विकास कर सकते हैं। यानी संपूर्ण एक जो है ओवरऑल डेवलपमेंट, बच्चों का जो ओवरऑल विकास होना चाहिए, उन विकासमक सारी क्षमताओं को हम कला शिक्षा के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। कला कई लोगों के लिए सहज है, यहाँ तक कि एक छोटी उम्र से ही किसी व्यक्ति की कलात्मक पक्ष की खोज की जा सकती है। यानी जिस स्तर से बच्चे काम करना शुरू करते हैं, भावी अध्यापक होने के नाते हमारी ये भूमिका होती है कि हम कलात्मक क्षमताओं का उपयोग विभिन्न प्रकार से सिखाने की प्रक्रिया में करें, बच्चों को सिखाने की किस तरह से वो अपनी कला के माध्यम से जीवन को सुंदरता की खोज कर सकते हैं, उन्हें अपने भीतर के स्वयं को व्यक्त करने के माध्यम, जैसे डूडलिंग, यानी बिना किसी, डूडलिंग मीन्स क्या होता है कि लक्ष्यहीन चित्रकारी करना, कोई आपने बहुत ज़्यादा सोच विचार कर चित्रकारी नहीं की है, और पेंटिंग या कुछ नई चीज़ों से सामान बनाने की भावना को जागृति दें, उन्हें उनके भीतर की आत्मा को रचनात्मकता की और कला के और अग्रसर होने दें। यानी एक एज अ टीचर आप फ्यूचर में होने वाले आप टीचर हैं, तो एक शिक्षक होने के नाते आपका एक दायित्व होता है कि आपके साथ अपने जितने भी आपके शिक्षार्थी होंगे, उनके साथ आपको एक अच्छा, बहुत अच्छा कलाकार नहीं बनाना, उनको आपको अहमद हुसैन या कुछ और इस तरीके की चीज़ों नहीं, बस उनको कला के द्वारा उनके जो समग्र विकास हो सके, उनके क्षमताओं का संपूर्ण विकास होने के आपको महत्व देना है कि किस तरीके से बच्चा अपने आप को व्यक्त कर सके लोगों के सामने, उसके अंदर जो आत्मविश्वास है, उसकी रचनात्मक कौशल, कल्पना शक्ति, इन सारी क्षमताओं का उनके अंदर विकास हो सके। तो अभी तक हमने जितनी भी चीज़ों के बारे में समझा, यानी हमारे लिए कला शिक्षा का प्राथमिक स्तर पर क्या महत्व है और क्यों है इसका महत्व, तो हमने सबसे पहले ये जाना कि कला के द्वारा, यानी चाहे वो बच्चों जो है प्रदर्शन कला के माध्यम से या दृश्य कला के माध्यम से अपने आप को प्रदर्शित करते, यानी अपने विचार को, अपने भावनाओं को और अपनी क्षमताओं को, अपने आप को वो किसी ड्राइंग के थ्रू, किसी फिल्म के माध्यम से या कोई एक मूवी बना सकते हैं या कोई ड्राइंग कर सकते हैं या पेंटिंग के माध्यम से या नाटक के द्वारा अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हैं, अपनी सोच को प्रदर्शित कर सकते हैं। और उनके अंदर दूसरी हमने जो मेन पॉइंट बात की, उसमें हमने ये बात किया कि बच्चों के अंदर इन सारी जब काम कार्य कीर्ति करते हैं, जब ये बच्चे कोई भी चित्रण करते हैं या अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, तो उस दौरान उनके अंदर आत्मविश्वास शक्ति का विकास होता है।
यानी आत्मविश्वास कैसे, जैसे कि आपने मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे कोई भी हम बच्चों से कार्य करवाते हैं या बच्चे खुद से अग्रसर होते हैं एक रचनात्मक शक्ति की ओर, तो या कुछ नया चीज़ करने के लिए यानी अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए कुछ नए ढंग से कैसे अपने आप को प्रदर्शित करना है। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि डिस्पोजेबल ग्लास से एक ढोलक बना सकते हैं, तो वो जब इस तरीके से उन्होंने काम किया तो उन्होंने एक नई टेक्निक सीखी, नयापन उनके अंदर आया, तो उससे उनकी रचनात्मक शक्ति का विकास हुआ। और रचनात्मक शक्ति के साथ साथ उन्होंने किस तरीके से कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वेस्ट मटेरियल है उसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, और उस इन सारी क्षमताओं के इन सारे कार्यों के दौरान उन्होंने ये सीखते हैं कि किस तरीके से हम नया नए नएपन की ओर कैसे बढ़ेंगे, एक अपने कार्य में कलाकृति में कैसे नयापन लेकर आएंगे। और उसके अलावा जो आसपास समाज में अगर कुछ कुरीतियाँ चल रही हैं, जैसे मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, जैसे होता है कि लड़कियों को कुछ लोग अच्छा नहीं मानते या उनको पढ़ाना नहीं चाहते, तो उन सारी चीज़ों के बारे में बच्चों को जागरूकता मिलती है, वो आसपास के जो उनके समाज में चल रही घटित हो रही हैं घटनाएँ उनसे अवेयर होते हैं कि क्या चीज़ें उनके, और वो जो अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हैं, तो आने वाले टाइम में एक जो यही बच्चे आगे जा करके एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपने आप को आपके सामने प्रदर्शित होंगे कि ये जो बच्चे हैं तो उन्होंने बचपन से ही, जब हमें इस तरह की हम उनको जानकारी देते हैं, जब उनको जानकारी मिलती रहती है, तो आने वाले टाइम में एक जिम्मेदार नागरिक बनने में उनको मदद मिलती है। उसके अलावा ये जब कलाकृतियाँ बच्चे करते हैं तो कलाकृतियों में जैसे एक नाटक हम करवा रहे हैं, अगर नाटक करते हैं तो नाटक करने के लिए पहले एक कहानी चाहिए होगी, कोई एक स्टोरी चाहिए, स्क्रिप्ट चाहिए, उस स्क्रिप्ट के लिए भी बच्चों को पहले एक कल्पना, वो अपनी कल्पना करते हैं, कल्पना के दौरान फिर वो एक स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, और उसमें अब उनके अलग अलग चरित्र चित्रण होते हैं, उन चरित्र चित्रण के दौरान ही हम क्या करते हैं फिर बच्चों से उन चरित्र चित्रण के दौरान विभिन्न विभिन्न चित्रण करते हैं। जैसे 10-12 बच्चे हो गए, उनका ग्रुप लिया, 8-10 बच्चों का एक ग्रुप तैयार किया आपने, अब उन ग्रुपों के दौरान उनमें आपस में एक दूसरे से तालमेल बिठाना, उनके साथ एक दूसरे के साथ कैसे कार्य कर संपूर्ण करना है ये उनके अंदर, और उस समूह को कैसे नेतृत्व करना है ये उनके, ये सारी चीज़ें वो सीखते हैं। तो ओवरऑल हम इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बच्चों के अंदर आत्मविश्वास क्षमता का विकास होता है, रचनात्मक कौशल का विकास होता है, और लोगों की उनके अंदर समझ होती है, दूसरों के अपने भावनाओं के साथ साथ उन्हें दूसरों की भावनाओं को भी समझ पैदा होती है, और समाज में कम्युनिटी में क्या क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि बिहार की कौन सी कला है या आसपास जैसे दुर्गा पूजा है या कोई त्यौहार है, तो उस टाइम बींग पे किस तरह की आर्ट है, किस तरह की कला कृतियाँ लोग उनके हमारे आसपास लोग करते हैं, यानी कम्युनिटी में किस तरह के काम हो रहे हैं, तो उस तरीके के कार्यों को भी वो बच्चों में अवेयरनेस होती है, तो जिससे उनके अंदर अखंडता, समन्वय और एक दूसरे की समझ की भावना पैदा होती है। तो इस तरीके हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बच्चों को एक अच्छा और एक बेहतर बनाने के लिए उनको कला शिक्षा के द्वारा हम उनका संपूर्ण विकास कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि कला शिक्षा का क्या महत्व है ये आपकी समझ में आया होगा कि बच्चों को बहुत बड़ा या महान कलाकार ना खुद बनना है और ना अपने बच्चों को बनाना है, वो उनके लिए आगे आने वाले टाइम में वो खुद डिसाइड कर लेंगे कि उनको क्या, किस तरीके के, किस फील्ड में जाना है, लेकिन अभी हमें प्राथमिक स्तर पर हमें कला के माध्यम का प्रयोग करके उनके शिक्षण प्रणाली और सीखने सिखाने की प्रक्रिया को और महत्वपूर्ण बनाना है। धन्यवाद।